पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और हिंसा मामले में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी स्थायी लेवल कमेटी के संयोजक बनाई गई है। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। यहां कई दिनों से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन है। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए वह हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहां हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेटिंग और आंसू गैस की गोली छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। किसानों ने आज पंजाब के 6 जिलों में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया है। उड़ीसा में कांग्रेस के पूर्व विधायक अंशुमान मोहंती ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बुधवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शरद पटनायक को अपना इस्तीफा सौंपा। अंशुमान 2014 में केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। अमेरिका के केसांस शहर में गुरुवार सुबह एक रैली के दौरान गोलाबारी हुई। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 21 लोग घायल हुए, इसमें कई बच्चे, सभी को गोलियां लगी है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है।